ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत ओनली ऑन नेस्ले मिल्कमेड प्रेजेंट्स बच्चा पार्टी। हमने ढेरों बर्फी की रेसिपीज तो बनाई हैं, आज बनाते हैं कुछ और। हम बनाएंगे बीटरूट बर्फी। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। हम लेंगे एक पैन उसके लिए, और यहाँ पर मेरे पास है सम श्रेडेड बीटरूट। अब इस रेसिपी में हेल्थ और टेस्ट है ना, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो चलिए सबसे पहले इस गरम पैन में हम डालेंगे घी। कोई भी हलवा या बर्फी बनाने के लिए घी तो होना ही चाहिए। अब डालते हैं हमारी ये श्रेडेड बीटरूट और इसे हम पका लेंगे। इसे अच्छे से हम पकाएंगे। देखिए अब ये वॉल्यूम में कम हो गया है, सिकुड़ गया है, यानी कि ये अच्छे से पक गया है। अब हम डालेंगे दूध और उसे फिर से अच्छे से थोड़ा सा दूध में पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर डेट्स यानी कि खजूर, और उसके साथ ही मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा काजू और बादाम का पाउडर। एंड गिव इट अ नाइस मिक्स। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हर डिजर्ट का एक सीक्रेट मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो है नेस्ले स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। जब ये कोई भी आपकी डिजर्ट रेसिपी में पड़ता है तो आपकी डिजर्ट रेसिपी के उत्तम स्वाद को बरकरार रखते हुए ये उस रेसिपी को बनाता है सरलता से और फटाफट। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे। लवली। और हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से रिड्यूस हो गया है। जब भी आप कोई हलवा बनाएं तो पहले तो वो आपके साइड्स पर स्टिक होता है, लेकिन जब ये साइड्स छोड़कर अपने आप में कलेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमारा बीटरूट हलवा बन गया है। अब हमें इसे ठंडा होने देना है, फिर एक प्लेट पर निकाल के हम इसे फ्रिज में डाल के सेट होने देंगे, और उसके बाद हमारी बर्फी रेडी हो जाएगी। ओके, मैं इसे यहाँ पर लाती हूँ, और ये रही मेरी प्लेट। प्रेफरेबली आप एक प्लास्टिक की प्लेट का इस्तेमाल करिए ताकि ये उस पर स्टिक ना हो और आसानी से निकल आए। अब हम इसे डालते हैं इस प्लेट पर और एक स्लैब रेडी कर लेते हैं। ओके, इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा बचा हुआ ड्राई फ्रूट। और अब इसे फ्रिज में डाल के हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ताकि ये फ्रीज हो जाए और सेट हो जाए। चला, हमारी बर्फी बिल्कुल सेट हो गई है और बहुत लवली लग रही है। चलिए इसके अब बर्फी के पीसेस कट करते हैं। मेरे पास है ये नाइफ एंड लेट्स कट बर्फी के पीसेस। बहुत अच्छी सेट हुई है। इट्स नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू सॉफ्ट, जस्ट द वे वी वांटेड। ओके, अब मेरे पास है ये डिश। इसके ऊपर एक एक करके हम हमारी बर्फी के पीसेस रखेंगे। परफेक्ट पीसेस कटे हैं, सुपर। अब ये इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरे पास है एक आइडिया। मेरे गार्डन में कुछ रोजेस ग्रो हुए थे जो मैंने तोड़ लिए हैं, और अब मैं इसको और खूबसूरत बनाऊंगी इस तरह। हम रखेंगे एक एक गुलाब की पंखड़ी, इस रेड कलर में और जान डालेंगे, है ना, एक बेहतरीन तरीका। इसके पहले कि फ्लावर्स मुरझा ही जाए, उसे अपने गार्डन से तोड़ लीजिए और उससे अपनी डिशेस को गार्निश करिए। ओके, एंड मेरे पास है ये कुछ गुलाब के पत्ते भी, तो उसे भी हम यहाँ पर रख देते हैं। इस बर्फी को देते हैं बिल्कुल एक फ्लावर का लुक। बच्चे जब आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो मम्मी को भी तो करना चाहिए। कुछ नए तरीके से सजावट हो तभी तो रेसिपीज में आएगी जान और बनेगी बात।
भाई वाह, दिस इज रियली लुकिंग नाइस। बर्फी के साथ साथ आप चाहे तो बच्चों को रोज पेटल्स भी खिला सकते हैं। बर्फी को मिलेगा एक और नया फ्लेवर, है ना अच्छा आइडिया? तो चलिए ऐसे ही आइडिया को आप भी तो यूज करिए। अगर बच्चों के लिए कुछ करना है तो इसी से शुरुआत करिए और बनाइए ये रेसिपी को। लेकिन उसके पहले देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही, क्विक रिकैप। बीटरूट बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री: 3 से 4 टेबलस्पून घी, 1 कप कीसा हुआ चकुंदर, 1 कप दूध, 1/2 कप कटे हुए खजूर, 1/2 कप बादाम और काजू पाउडर, 350 ग्राम मिल्कमेड कंडेंस्ड मिल्क, गार्निश के लिए गुलाब की पत्तियां। बीटरूट बर्फी बनाने की विधि: एक पैन में घी गरम करके इसमें कीसा हुआ चुकंदर, दूध, कटे हुए खजूर, काजू बादाम पाउडर और मिल्कमेड कंडेंस्ड मिल्क डालकर पकाएं। अब तैयार बर्फी के मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर इस पर काजू बादाम पाउडर डालें और फ्रीजर में 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए रखें। तैयार बर्फी को गुलाब की पत्तियों से गार्निश करें। आपकी बीटरूट बर्फी तैयार है। दोस्तों, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारे क्रिएटिव आर्ट्स के काम करते हैं। जी हाँ, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए ही नहीं, हमें उन्हें इन कामों में भी प्रोत्साहन करना चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे अच्छे और ऐसे काम करें। फिर वो पेपर पे एक छोटी सी लकीर हो या फिर पूरी पेंटिंग, है ना? क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे काम करेंगे तभी तो वो बड़े होकर बड़े बड़े काम करेंगे। और इसके लिए हमारे बच्चों को चाहिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ। और ऐसी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखकर हम बच्चा पार्टी में आपको दिखाते रहते हैं एक कंप्लीट वेलबींग रेसिपीज हमारे बच्चों के लिए। तो बस आगे भी देखते रहिए बच्चा पार्टी के एपिसोड्स, जहां पर हम बनाएंगे अ कंप्लीट हेल्दी पार्टी फॉर आवर किड्स। तो चलिए एक बार कहिए मेरे साथ, नेस्ले मिल्कमेड प्रेजेंट्स बच्चा पार्टी।